आईटीआई टेक्निकल मास्टर चैनल पर एक बार मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग क्रैंकशाफ्ट के ऊपर क्या क्या क्रिया होती है अगर इंजन में चलने के बाद पुराना हो या मेजर ओवरहॉलिंग होता है, एमओएच होता है, उस समय क्रैंकशाफ्ट में क्या क्या इंस्पेक्शन किया जाता है, क्या क्या जाँच होता है, कौन कौन से मेजरमेंट किए जाते हैं, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक क्रैंक शाफ्ट है जिसका मैंने डिटेल पिछले क्लास में किया था, कौन कौन से भाग होते हैं, किस भाग का क्या कार्य है और यह क्रैंक शाफ्ट कैसे कार्य करता है आज हम लोग समझेंगे। इसमें कौन सी जांच होगी, इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन एंड मेजरिंग, मेजरिंग ऑफ क्रैंकशाफ्ट। तो कौन कौन सा जांच होगा, सबसे पहले तो हम लोग क्रैंकशाफ्ट का क्लीनिंग करते हैं अच्छी तरह। सबसे पहले क्लीनिंग किया जाता है, क्लीनिंग करेंगे। सेकंड में फिजिकल इंस्पेक्शन किया जाता है, इंस्पेक्शन करते हैं। थर्ड में क्रैक डिटेक्शन किया जाता है, क्रैक डिटेक्शन, डिटेक्शन करते हैं थर्ड नंबर में। और फोर्थ में क्या करते हैं, क्रैक डिटेक्शन में इसका क्रैक है कहां, कौन सा पार्ट्स में क्रैक आ गया है, नहीं आ गया है, इसके बारे में जांच पड़ताल किया जाता है। उसके बाद गेजिंग करते हैं, इसका माप लेते हैं, टेपर ऑबिलिटी है कि नहीं है, गेजिंग करेंगे, गेजिंग, फाइंडिंग टेपर ऑबिलिटी भी लिख सकते हो। और उसके अलावा एक बैलेंसिंग किया जाता है, बैलेंसिंग करना। इस तरह से आप देख रहे हैं इतने सारे कार्यक्रम करने पड़ते हैं, क्लीनिंग, इंस्पेक्शन, क्रैक डिटेक्शन, गेजिंग और बैलेंसिंग। तो सबसे पहले क्लीनिंग में क्या करना होता है, क्लीनिंग में क्रैंकशाफ्ट चलने के बाद उसमें कार्बन पकड़ लेते हैं, या तो कभी कभी अगर गर्म हो जाता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल नहीं मिलता है, तो बेरिंग्स का जो मटेरियल होता है, सेल बेरिंग का जो वाइट मेटल होता है, इसके ऊपर चिपक जाता है। तो इसको साफ करने के लिए हम लोग कॉपर का चेन या नारियल की रस्सी से रगड़ के अच्छी तरह साफ करते हैं। करने का सेंस है कि इसके ऊपर अगर फॉरेन मटेरियल हो, बेरिंग्स का मेटल इसके ऊपर चिपक गया हो, मेन बेरिंग्स या क्रैंक पिन के ऊपर, तो क्रैंक पिन और मेन जनरल से उसका जो मटेरियल है उसको हम लोग अच्छी तरह निकाल लेंगे और बाकी भाग को भी क्लीनिंग सॉल्वेंट में डालकर अच्छी तरह क्लीन करेंगे। किसी किसी जगह पे क्रैंकशाफ्ट को क्लीन करने के लिए सैंड ब्लास्टिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है, सैंड ब्लास्टिंग के द्वारा भी क्लीनिंग की जाती है। अब हम लोग इंस्पेक्शन की बात कर रहे हैं, इंस्पेक्शन का अर्थ है फिजिकली हम लोग जांच पड़ताल कर लेंगे कि क्रैंकशाफ्ट का सारा भाग ठीक है कि नहीं है, क्योंकि क्रैंकशाफ्ट पर पिस्टन में पावर के दौरान थ्रस्ट लगता है और रनिंग में लोड रहती है, जिसके कारण अगर थोड़ी भी लापरवाही होगी तो क्रैंकशाफ्ट फेलियर हो जाएगा या टूट सकता है, इसीलिए इसके ऊपर जांच पड़ताल अच्छी तरह करते हैं। तो इंस्पेक्शन में हम लोग प्रत्येक भाग को देख लेंगे कि किसी में कोई खराबी तो नहीं है, फिजिकली कहीं डैमेज तो नहीं दिख रहा है, कोई वर्क तो नहीं है। अगर इस तरह की प्रोसेस रहती है तो उसको हम लोग संबंधित क्रिया करके, जैसे वर है तो उसको फाइलिंग करके निकाल देते हैं, इस तरह से हम लोग करते हैं। थर्ड में है क्रैक डिटेक्शन। क्रैक डिटेक्शन में क्या होता है, बहुत सूक्ष्म इंस्पेक्शन करने के बाद भी इसके अंदर क्रैक होने की संभावना रह सकती है, जो कि आंखों से देख पाना संभव नहीं है, उसके लिए हम लोग क्रैक डिटेक्शन करते हैं। अगर बड़े इंजन का क्रैंक शाफ्ट है तो उसको हम लोग क्रैक डिटेक्शन करते हैं। क्रैक डिटेक्शन करने के लिए क्लीन्ड क्रैंक शाफ्ट के ऊपर दो तरह की लिक्विड आती है, दो लिक्विड है, केमिकल है, जिसके द्वारा हम लोग इसको पता करते हैं कि क्रैक है कि नहीं।
उस लिक्विड में फर्स्ट लिक्विड का नाम है रेड पेनिट्रेट। रेड पेनिट्रेट का अर्थ है इसके ऊपर लाल जो केमिकल है, लिक्विड है रेड पेनिट्रेट, उसके चारों तरफ स्प्रे करेंगे, स्प्रे करेंगे और स्प्रे करने के बाद व्हाइट पेनिट्रेट का स्प्रे करते हैं, जिसको हम लोग डेवलपर भी कहते हैं। रेड पेनिट्रेट सभी जगह आपका स्प्रे हो जाने के बाद उसके ऊपर व्हाइट पेनिट्रेट का इस्तेमाल करेंगे और व्हाइट पेनिट्रेट से सभी जगह पे छिड़काव करेंगे, स्प्रे करेंगे। अगर इन केस किसी प्रकार का क्रैक होगा, वो क्रैक आपका रेड पेनिट्रेट वहां से बाहर निकल जाएगा और लाल वाला जो लाइन है, अगर क्रैक का लाइन है तो दिखेगा आपको, क्योंकि जहां पे क्रैक होता है रेड पेनिट्रेट ऑब्जर्व कर लेता है, और जैसे ही व्हाइट पेनिट्रेट डालते हैं तो रेड पेनिट्रेट स्पिल होकर कर लाइन बन के आपको दिख जाएगा। इस तरह से हम लोग इसका क्रैक डिटेक्शन कर लेते हैं। क्रैक डिटेक्शन से हम लोग एश्योर्ड हो जाते हैं कि क्रैंक शाफ्ट में किसी तरह का इंटरनल क्षति नहीं है और रनिंग करते समय थ्रस्ट सहन कर सकता है। इसके अलावा गेजिंग करते हैं। गेजिंग के लिए हम लोग दो तरह के, इसमें है क्रैंक जनरल है और क्रैंक पिन है, तो दोनों का गेजिंग अलग अलग करना होगा, दोनों का डायामीटर। गेजिंग करने के लिए एक चार्ट बनाना होगा हमको। सबसे पहले अगर हम मेन जनरल का गेजिंग करते हैं तो यहाँ पे हम लोग मेन जनरल लिखेंगे, मेन जनरल। और गेजिंग करने के लिए जैसा कि आप जानते हैं जिस साइड में फ्लाई व्हील लगाते हैं उस साइड को हम लोग ड्राइव व्हील कहते हैं, क्योंकि सारा ड्राइव उसी से देते हैं, और उसके अपोजिट साइड को फ्री इंड कहा जाता है, ड्राइव इंड और फ्री इंड। जब भी नंबरिंग करेंगे तो फ्री इंड साइड से करेंगे। जैसे कि यहाँ पे जनरल की संख्या है तो जनरल की संख्या एक नंबर, दो और तीन, तीन है टोटल, तो यहां से शुरू करेंगे नंबरिंग, एक दो तीन। ठीक उसी प्रकार क्रैंक पिन की संख्या निकालना होगा तो एक नंबर और दो नंबर कौन सा है उस हिसाब से हम लोग मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट करने के लिए चार्ट बनाना होगा, मेजरमेंट भी करते हैं। सबसे पहले तो मेजरमेंट करने के लिए आपको माइक्रोमीटर का नॉलेज होना चाहिए, माइक्रोमीटर आना चाहिए। और माइक्रोमीटर में इसमें चार स्थान पे रीडिंग लिया जाता है, चार स्थान पे कहने का सेंस है, एक रीडिंग यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे वर्टिकल, और एक इस साइड में इधर इधर। ठीक उसी प्रकार चारों तरफ लेंगे, वर्टिकल ये हो गया रीडिंग, और फिर हॉरिजेंटल अगर गोल भाग है तो फिर इधर से और इधर इधर इधर, यानी कि चार स्पॉट पे रीडिंग होगी। इसका चार्ट हम लोग इस तरह से बनाएंगे, सीरियल नंबर लिखेंगे, सीरियल नंबर ऑफ मेन जर्नल, उसके बाद साइड, उसके बाद वर्टिकल, उसके बाद हॉरिजॉन्टल। सीरियल नंबर में हो जाएगा, साइड में फ्री इंड और ड्राइव इंड दो होगा, याद रखिएगा इसको, फ्री इंड और ड्राइव इंड। इस तरह से हम लोग चार्ट बना लेंगे। यहां पे हो गया सीरियल और यहां हो गया ड्राइव इंड और फ्री इंड। यहां पे एक नंबर कर रहे हैं तो एक नंबर डाल देंगे, जितना नंबरिंग होगा डालते जाएंगे। डालने के बाद हम लोग का रीडिंग कैसा आएगा, यहां से हम लोग ये कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे और रीडिंग लिखेंगे। जैसे सबसे पहला रीडिंग करेंगे ड्राइव इंड का, ड्राइव इंड कौन सा हो गया, इधर हो गया ड्राइव इंड, ये ड्राइव इंड हुआ। यहाँ पे माइक्रोमीटर लगाएंगे और जो भी रीडिंग आएगा, मान लिया 85 का है अगर ये डाया, तो रीडिंग हमारा आता है 94.95, इस तरह का रीडिंग आता है, 94.92, 94.95, इस तरह की हमारी रीडिंग हो सकती है।
तो इसमें भी टेपर ओबिलिटी निकालना है। अगर टेपर होगा तो यहाँ और यहाँ का जो डिफरेंस रहेगा ड्राइव इंड और फ्री इंड में जो डिफरेंस रहेगी उसको हम लोग टेपर कहेंगे। इन दोनों में जो बड़ा होगा वो टेपर होगा। आप देख सकते हैं 88 और 95 यानी कि 7 का डिफरेंस है। तो इसमें टेपर 0.07 हो जाएगी टेपर, और ओबिलिटी कितना होगा, ओबिलिटी मिनिमम और मैक्सिमम 92 है और 95 है, 88-95 इसमें है। तो ये हो जाएगा, इसको हम लोग करेंगे ओबिलिटी, ओबिलिटी भी हमारा 0.07 होगा। इसमें भी मिनिमम और मैक्सिमम, मैक्सिमम से मिनिमम घटा देंगे ओबिलिटी निकल जाएगी। टेपर ओबिलिटी निकालने का सेंस है, अगर टेपर होता नहीं है बाय द वे, अगर टेपर होता है तो हम लोग इसको रीग्राइंड करते हैं, फिर से इसको ग्राइंड करके गोल करते हैं। उसके लिए निर्माता आपको एक डाटा देगा, उस डाटा के आलोक में हम लोग इसको ग्राइंड करके, रीग्राइंडिंग करके, नया बेरिंग लगा करके या ओवरसाइज बेरिंग लगा करके इसको यूज में ला सकते हैं, अगर चलते चलते घिस गया हो तो। तो इस प्रकार हम लोग इसका गेजिंग करेंगे मेन जनरल का। उसके बाद नेक्स्ट सेम इसी तरह से क्रैंक पिन का भी क्रैंक करेंगे। क्रैंक पिन में भी होगा, 4 रीडिंग होगी, फ्री इंड वर्टिकल, फ्री इंड हॉरिजॉन्टल, फिर फ्री इंड वर्टिकल और ड्राइव इंड होगा, उसके बाद हॉरिजॉन्टल फ्री इंड और ड्राइव इंड हॉरिजॉन्टल। इस तरह से 4 रीडिंग लेकर के सेम प्रोसेस आप क्रैंक पिन, जितना भी क्रैंक पिन हो उसके साथ हम लोग इस तरह से बारी बारी से गेजिंग करते हैं। इसके अलावा इसमें गेजिंग होता है, डिफ्लेक्शन का जांच होता है, डिफ्लेक्शन है कि नहीं है या टेढ़ा तो नहीं है। तो टेढ़ा का जांच होने के लिए इसको क्या करते हैं, सरफेस प्लेट के ऊपर भी ब्लॉक की सहायता से इसको रख लेते हैं और डायल टेस्ट इंडिकेटर की सहायता से 3 जगह पे रीडिंग लेते हैं। अगर रीडिंग में कहीं त्रुटि आती है, डिफ्लेक्शन होता है, तो हम लोग समझेंगे कि इसमें टेढ़ापन है, हालांकि जल्दी ये इशू नहीं होती है। तो इस तरह से हम लोग जांच करते हैं कि टेढ़ापन है कि नहीं है, बेंड है कि नहीं है इस। और लास्ट वन है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग कैसे करते हैं, बैलेंसिंग करने के लिए क्रैंकशाफ्ट में देखा जाता है 2 तरह की बैलेंसिंग होती है, स्टैटिक बैलेंसिंग और डायनेमिक बैलेंसिंग। स्टैटिक बैलेंसिंग में देखा जाता है कि क्रैंकशाफ्ट में जो भी वेट है वो वेट प्रोपोर्शन में है कि नहीं है, सारे जगह पे या हर एक भाग में वेट प्रोपोर्शन में होना चाहिए, ऑड इवन या कम ज्यादा कहीं भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा डायनेमिक बैलेंसिंग करते हैं। डायनेमिक बैलेंसिंग में, डायनेमिक बैलेंसिंग करने के लिए एक मशीन आता है और उस मशीन पे डिजिटली क्रैंकशाफ्ट को रन किया जाता है, घुमाया जाता है। घुमाने के बाद मशीन पे आपको डिजिटली बताएगा कौन सा भाग से कितना ग्राम वेट कम है ज्यादा है, तो उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। काउंटर वेट से ही रिमूव करना है, काउंटर वेट से ड्रिल करके उतना मेटल हम लोग वहां से निकाल सकते हैं, मेटल ऐड भी किया जाता है। इस प्रकार से क्रैंकशाफ्ट को बैलेंस किया जाता है। बिल्कुल जब रनिंग में बैलेंस हो जाती है यानी कि डायनेमिक बैलेंसिंग हो जाता है, तब क्रैंकशाफ्ट हम लोग उसको रीयूज करते हैं, चला सकते हैं। ज्यादातर निर्माता अगर डैमेज होती है, किसी प्रकार का फॉल्ट आता है, तो चेंज करने का ही सलाह देता है। इस तरह से हम लोग क्रैंकशाफ्ट का माप लेते हैं, तरह तरह की जांच करते हैं, जांच के उपरांत अगर सही मिलता है तो उसको यूज करते हैं। आपको यह नॉलेज अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, साथ ही साथ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।